नमस्ते बालाजी हिंदी टैरों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल लव रीडिंग जो होगी 22 से लेके 28 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग वर्गो यानी कन्या राशि। देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है, आपके करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं। इतना आपके लिए बोल रही हूँ, हो सकता है ये उनसे मैच कर जाए, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि कौन से एनर्जी आपके हैं। तो देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो यानी कन्या राशि प्लीज यूनिवर्स वर्गो के जो भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स टू ऑफ सोर्स। ये इंसान थोड़ा कंफ्यूज है, हो सकता है इनका कुछ परेशानी है, करंटली ये कंफ्यूज है। देख लेते हैं टू ऑफ सोर्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, क्यों ये इंसान कंफ्यूज है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। हो सकता है ये इंसान पहले आपसे शादी करना चाहता था लेकिन अभी हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो या फिर इन्होंने किसी और के लिए आपको इग्नोर किया था लेकिन अभी ये दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं लेकिन आपसे बोलने की हिम्मत नहीं है और ये इसके लिए अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है। आपके साथ ये लव रिलेशन में है लेकिन इनके और भी कोई रिश्ते थे जिसके कारण से ये आपको इग्नोर कर रहा था, इसीलिए अभी ये आपके पास आना तो चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं लेकिन ये कंफ्यूज है कि आपसे क्या कहेंगे, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, या आपके साथ रिश्ते में आना चाहिए या नहीं, या फिर आने के बाद क्या होगा, ये आपसे कैसे कहेगा, ये सारा चीज इनको परेशान कर रहा है। ये दुखी हैं, इन्होंने आपको हो सकता किसी और के लिए रिजेक्ट किया था तो अभी ये कंफ्यूज है। अभी देख लेते हैं आपके करंट फीलिंग्स क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप हो सकता है आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया था या फिर इन्होंने जब मूव ऑन किया था रिश्तों से तो आपको बहुत दुख परेशानी फाइनेंशियल लॉसेस ये सब हुआ था तो करंटली आप दुखी हो उस बात को सोच के। अभी देख लेते हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। यस, अभी आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, जो लॉस आपका हुआ है आप अपने अंदाज से जीना चाहते हो, आप पैसों को सेविंग्स करना चाहते हो, पैसे बचाना चाहते हो। अभी ये एक बहुत अच्छी बात है कि तो वर्गो आप अपनी कंट्रोल अभी किसी के हाथ में नहीं देना चाहते हो। हो सकता है पहले आपने उनको अपने जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में दिया था, मतलब वो खुश तो आप खुश, वो हंस रहे हैं तो आप हंस रहे हो, फिनेंशियली मेंटली आप हर तरीके से उन पर डिपेंडेंट थे लेकिन अभी आप चाहते हो कि आप अपने तरीके से अपने लाइफ को जियो, बिंदास तरीके से जियो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाओ। आपको लगता है कि वो आपके लाइफ से जब चले गए थे तो आपको बहुत सारा फिनेंशियल प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम फेस किया था आपने, तो अभी आप पहले अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, अपना खुद का स्टेबिलिटी आप पाना चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, अपने लाइफ को
अपने अंदाज से जीना चाहते हो, आप रिस्क लेना चाहते हो, अपने लिए सोचना चाहते हो, अभी आप उनको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि पहले उन्होंने आपको इग्नोर किया था किसी और के लिए। आप जो उनके पास थे वो उस चीज को नहीं समझ पाए कि आप उनके जिंदगी में क्या थे उनके लिए। आप हमेशा उनके बारे में सोचते थे, उनके भलाई के बारे में सोच रहे थे, आपको लग रहा था वो अच्छे रहेंगे तो आप अच्छे रहोगे। आप शादीशुदा हो सकते हो इस इंसान के साथ, अगर शादीशुदा नहीं भी हो तो भी आप शादी जैसे रिश्ते में थे, आप शादी के बारे में हमेशा सोचते थे कि इनके साथ आपकी शादी होगी, लेकिन ये अचानक से आपको छोड़ दिया। अभी देखते हैं ये क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, ये दिमाग से सोचने वाला इंसान है, ये अभी बहुत मतलब जिसे बोलते हैं कि धुरंधर हो गए हैं, वर्गों के रीडिंग्स में वर्गों का ही कार्ड है, ये भी पेंटिकल्स के, ये भी पैसों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है ये इंसान अभी, और ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये रिश्ता पुराना है, ये चुपचाप चीजों को देखना चाहते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से, ये बेकार की जो परेशानी है उसको खत्म करना चाहते हैं रिश्ते से, ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं विद स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ, इनके पास पैसा है, ये पैसों का ढोंस जमाता है आप पर, इनके पास पैसा है, और या फिर आपके पास पैसा है, ये पैसे लेने के लिए आ रहा है, आना चाहते हैं, और ये फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी प्रति। ये रिश्ते में हमेशा इन एंड आउट रहता है, ये रिश्ता स्टेबल रिश्ता नहीं है, हो सकता है ये बहुत दिनों से नहीं था, किसका एनर्जी है पता नहीं है, ये कोई स्टेबल रिश्ता नहीं है, ये इन एंड आउट वाला रिश्ता, ये इंसान इन एंड आउट होता रहता है, कभी जब मन चाहे आ जाता है, जब मन चाहे चले जाते हैं। इनके पास ऑप्शन है, ये फिजिकली अट्रैक्ट है आपके प्रति, ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं रिश्ते में, परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, अभी दिमाग से सोच रहा है, कम से कम इन दिनों तो इनके यही एनर्जी रहेगी, और ये फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, इसीलिए चुपचाप है और अपनी क्या बोलते हैं उसको एक्सपीरियंस को काम पे लगा रहा है, अभी दिमाग से सोचना चाहते हैं ये, दिल से नहीं। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप तो सन के कार्ड, घर, बच्चे, परिवार, रिश्ता, विक्ट्री आप चाहते हो। अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो बच्चे के लिए विक्ट्री चाहते हो, अगर नहीं हो तो उनके बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हो। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हो, सलाह देना मेरा काम नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल के रहिएगा, इस तरह के इंसान आप तो दुखी हो, परेशान हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हो, कंफ्यूज भी हो, रिश्ते में भी जाना चाहते हो, काम भी करना चाहते हो, खुद को हील भी करना चाहते हो, दोबारा से रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, खुश करना चाहते हो, अगर आप शादीशुदा हो पहले से, बच्चों के लिए रिश्ते में जाना चाहते हो, अपने लिए जाना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, आप रो रहे हो, आप दुखी हो, परेशान हो, आपको ये रिश्ता चाहिए, आप कंफ्यूज हो, पैसा भी चाहिए, रिश्ता भी चाहिए, अपने तरीके से चलना भी चाहते हो, आप किसी की मदद से रिश्ता सही हो जाए वो भी चाहिए, किसी की मदद से फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए वो भी सही रहेगा, आप कंफ्यूज हो, आपको चाहिए क्या, पैसा फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए या रिश्ता चाहिए, बच्चों के लिए पैसा चाहिए जिनके बच्चे हैं, खुद के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, पैसा सेविंग्स करना चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो रिश्ते में, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो या फिर होना चाहते हो, या फिर पहले से ही बच्चा है, या बच्चे की माता या पिता इनको देखते हो, आप रिश्ते में दोबारा आना चाहते हो, आप दिल से चाहते हो रिश्ता, ये दिमाग से चाहते हैं। इस तरह के इंसान बहुत खतरनाक होते हैं जो दिमाग से रिश्ते को चलाते हैं। अभी देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं
रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। स्टार का कार्ड हीलिंग, आप लोगों को हीलिंग चाहिए, डीप हीलिंग। जिसने भी जो गलती किया है उस गलती से सीखना पड़ेगा। जिसने भी रिश्ते में एफर्ट नहीं डाला उसको डालना पड़ेगा, रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा। आप लोगों को हीलिंग की जरूरत है। क्वीन ऑफ सोर्ड, देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स दो बार आए हैं, द फूल का कार्ड। रिस्क लेना पड़ेगा इस रिश्ते में। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। कोई बातों को छुपा रहा है, कोई झूठ कह रहा है, कोई दिमाग से सोचेगा इन दिनों। जो दिमाग से सोच रहे थे, जो झूठ बोल रहे हैं, वो खुद को हील करना चाहिए। कोई एक है बिंदास तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, रिश्ते में भी रहना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, जीरो से शुरू करना चाहता है, लेकिन दिल से सोच के नहीं, दिमाग से सोच के। कोई एक है जो रोए जा रहा है, जो परेशान है, जिनको लग रहा है हाँ मुझसे गलती हुआ है, मुझे हील होना चाहिए, मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगी। भगवान से भी प्रेयर कर रहा है, हे भगवान, हे गॉड, हे अल्लाह, मेरे रिश्ते को सही कर दो, मुझे इनसे मिला दो। लेकिन आप जो भी हो, जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके साथ भी एनर्जी जा रहा है, ये इंसान जो है ये इतना प्यार आपसे नहीं करता है जितना आप करते हो। ये थोड़ा आता जाता रहता है रिश्ते में। देख लेते हैं रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। सॉरी, आउटकम तो देखा, देख लेते हैं। मेरा भी मन खराब हो जाता है ऐसे रीडिंग आ जाते हैं तो। यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। कोई एक है दुखी है, किसी को धोखा मिल रहा है रिश्ते के नाम पे। कम से कम इन दिनों तो मिलेगा, कार्ड बता रहा है। मैं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, जो कार्ड आता है वही बोल देती हूँ। यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप जब अपनी मर्जी से रिश्ते में इस तरह से हो, अगर आप अपने मर्जी से रिश्ते को मूव नहीं कर रहे हो तो आपका वक्त नहीं बदलेगा। अगर आप मेहनत करते हो, मेहनत से चीज़ों को कमाना चाहते हो, तो आपका वक्त बदल सकता है, वक्त का पहिया घूम सकता है, आपके अच्छे दिन आ सकते हैं। आपको जो भी करना पड़ेगा, आप दोनों को ही या फिर किसी एक को, जिनके पैसों की प्रॉब्लम है, उनको मेहनत से ही सब कुछ कमाना पड़ेगा, मेहनत से परिवार चलाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे रहोगे, जो जैसा चल रहा है चलने दो, तो वक्त नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता आपका वक्त, क्योंकि पहले आपकी थॉट प्रोसेस को बदलनी पड़ेगी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका वक्त बदल सकता है। वरना आप अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो कि ये मेरे को पैसा देगा, ये मुझे चलाएगा, मेरे परिवार को चलाएगा, तो ये आपके लिए गलत होगा। क्योंकि इस रिश्ते में जो दो लोग हैं, कोई एक ऐसा है जो प्यार से रिश्ते में नहीं है, जरूरत से है, और एक प्यार से भी है, जरूरत से भी है, परिवार के लिए भी है। कोई दिमाग से चल रहा है, कोई दिल से सोच रहा है। इसीलिए जिसको बहुत ज़्यादा परेशानी है, दोनों में से जिसको भी, ये आपको पता है, आपको मेहनत से ही सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप लक के भरोसे बैठे रहें तो वक्त बदलने में देर लगेगा। अगर आप मेहनत से करते हो तो आपका वक्त बदल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।